बिहार सरकार जल्द ही मठों और मंदिरों की जमीन के मालिकाना के बारे में बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब राज्य में मठों और मंदिरों की जमीन का स्वामित्व बदल जाएगा। दरअसल राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में महंत और पुजारी के बदले संबंधित इष्टदेव का नाम दर्ज किया जाएगा। विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने शनिवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया का ये महत्वपूर्ण पहल है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल एक आदेश में कहा था कि कानून के तहत कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी या प्रबंधक का नाम दर्ज किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य मंदिरों से संबंधित भूमि विवाद का हवाला देते हुए ये बात कही गई थी कि किसी भी मंदिर में विराजमान देवता ही भूमि का वास्तविक स्वामी या मालिक होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बिहार में विधि विभाग और राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अलावा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब देव के नाम से मशहूर मंदिर की जमीन का नाम कर दिया जाए। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि बिहार में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हर हाल में पालन किया जाएगा। प्रमोद कुमार ने कहा कि इस बैठक के बाद विधि विभाग इस बात का आंकड़ा जुटाने में लगा हुआ है कि सरकार के रिकॉर्ड में मठों और मंदिरों के नाम वास्तव में कितनी जमीनें हैं। साथ ही इस बात को भी पता लगाया जा रहा है कि इसका स्वामित्व किसके पास है। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ये भी देख रही है कि किसी भी मठ मंदिर के पास रिकॉर्ड से अधिक जमीन तो नहीं। मंत्री की माने तो नई तरह की जो व्यवस्था होगी उसमें मठ और मंदिरों की जमीन और दूसरी संपत्तियों की अवैध ढंग से खरीद बिक्री पर रोक लग जाएगी। मंत्री ने बताया कि सरकार को इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं जिसमें ये बताया गया था कि महंत और पुजारी मठ मंदिर की संपत्ति को बेच रहे हैं। प्रमोद कुमार ने कहा है कि नई व्यवस्था लागू करने के लिए विधि विशेषज्ञों से भी सलाह मशवरा किया जा रहा है और जल्द ही सरकार इस पर आदेश जारी कर देगी। तो बड़ी खबर, सरकार के द्वारा बड़ी पहल ली जा रही है और जल्द ही मठों और मंदिरों की जमीन के मालिकाना के बारे में बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया जा सकता है और इसकी जानकारी जो है मंत्री ने खुद ही दे दी है। मंत्री प्रमोद कुमार ने शनिवार को इस बात को सार्वजनिक करते हुए कहा है कि ये आदेश जल्द ही लागू होने जा रहा है और ये 100% लागू होकर रहेगा। बिहार में अब इस फैसले के बाद क्या कुछ होता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन बिहार सरकार मठों और मंदिरों को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला सुना सकती है ये तय माना जा रहा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।